देखिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि बताइए इन सब में से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से बताना चाहता हूं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये डिसाइड होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हम बदलने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है रिएक्टेंट से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। नहीं समझे भाई, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसमें स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो अपने आप होना चाहेगा। और मान लीजिए कि रिएक्टेंट में कोई सब्सटेंस है और हमें पता है कि जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो प्रोडक्ट में उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी तो क्या वो मतलब आसानी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलना चाहेगा? नहीं बदलना चाहेगा। हर हमेशा हाई स्टेबिलिटी की ओर जो है कोई भी रिएक्शन बढ़ता है। तो अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो तो ये रिएक्शन आसान नहीं होगा। आसानी से नहीं होगा तो आप जबरदस्ती करोगे, तो जबरदस्ती करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो वो एंडोथर्मिक हो गया। और यदि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से ज्यादा है तो स्वाभाविक बात है कोई भी रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलना चाहेगा। ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। समझ में बात? तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट यहां पर है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो अपने आप हो जाएगा एक्सोथर्मिक, और प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो आपको धक्का मुक्की करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। इसी पर देखिए बेस्ड है ये क्वेश्चन, मैं अब आपको समझाता हूं। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर सी से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, सी और डी से ही काम हो जाएगा, फिर ए और बी भी समझाऊंगा। देखिए इस तरह से दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड, और फिर इस तरह से एक और भी कंपाउंड लिया हुआ है, और ये फिर क्या है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है CH4 बना हुआ है, ठीक है। कैसे पता लगा, तो देखिए ये CH3 है और यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकाला गया है, और CH3 और हाइड्रोजन मिलकर CH4 बनाए हैं, और फिर यहाँ से जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहीं पर क्लोरीन ऐड किया हुआ है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। देखिए CH4 तो सब में बना हुआ है, CH4 सब में बना हुआ है। आपको क्या करना है कि जिसमें क्लोरीन लगकर जो प्रोडक्ट मिला हुआ है उस क्लोरीन को आप हटाइए, CH2 CH और CH, ये इस तरह से फ्री रेडिकल बना लिया। समझ में आ रहा है क्या, फ्री रेडिकल रिएक्शन में ऐसे ही तो होता है, पहले फ्री रेडिकल बनते हैं और इसके साथ जो है Cl का जो फ्री रेडिकल है इस तरह से दोनों जुड़ के और ये प्रोडक्ट बनाए। तो आपको ये देखना है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बढ़ा था तो बीच में जो बनने वाला जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल के रूप में मिला है वो स्टेबल है क्या। अगर वो स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा, अगर वो स्टेबल नहीं है तो प्रोडक्ट भी स्टेबल नहीं होगा, और प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा तो आप जबरदस्ती करोगे तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमें पता है कि यहाँ पर देखिए कंजुगेटेड सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पर जो है इस फ्री रेडिकल को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है ना, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, ये है रेजो स्टेबल है, तो रेजो स्टेबल है इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। भाई इंटरमीडिएट स्टेबल है तो स्वाभाविक बात है प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम बात करें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो हो गया एक्सोथर्मिक, मतलब अपने आप हुआ। अब जरा इसके बारे में सोचिए,
जहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है उस क्लोरीन को पहले हटाइए, सोचिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल और यहाँ पर Cl डॉट। देखिए ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइट। मैंने आपको हमेशा से बताया कि डबल बॉन्ड पर जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या डबल बॉन्ड पर इस तरह से कार्बन पर फ्री रेडिकल आ जाए, ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है। पिछले प्रॉब्लम में भी बताया था ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये अल्कीन था, पहले ये अल्कीन था, और अल्कीन के बाद आगे जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो इंटरमीडिएट ही क्या है, अनस्टेबल है। तो भाई जिसका इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल है उसका प्रोडक्ट स्टेबल कैसे मिल सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी रिएक्शन में यदि किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उस इंटरमीडिएट पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जब इंटरमीडिएट ही गड़बड़ा गया तो प्रोडक्ट स्टेबल कैसे मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट जो है वो क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी जो है देना पड़ेगा ना। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आगे घट रही है। स्टेबिलिटी आगे घट रही है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिक होना नहीं चाहेगा। स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिक होना चाहता है वो रिएक्शन होगा, लेकिन स्टेबिलिटी अगर घट रही है तो आपको जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा इसका मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। तो यही तो बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक, तो यही तो है एंडोथर्मिक। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। अब बोलोगे नहीं सर आप एक बार बी भी समझा दो, चलो बी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो जहां पर क्लोरीन लगा हुआ उस क्लोरीन को हटाइए, क्लोरीन को हटाते हैं, क्लोरीन को हटाते हैं, क्लोरीन को हटाने के बाद फ्री रेडिकल बना दो, यहां बना दो, यहां भी फ्री रेडिकल बना दो, फिर उसके बाद जो यहां से 3 मिथाइल ग्रुप लगा दो CH3, यहां भी CH3 और यहां भी CH3। अब देखिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा क्या, हाइपर कंजुगेशन अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से भी अगर आप समझेंगे तो तीनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इसको, यानी कि हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये फ्री रेडिकल जो है वो अनस्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी तो मिल ही रहा है। इसमें देखिए यहां पर देखिए CH3 और CH2 का डॉट फ्री रेडिकल बन रहा है लेकिन स्टेबल है कैसे, यहां पर देखिए 3-3 हाइपर कंजुगेटिव, 3-3 अल्फा एच है इसके पास, तो हाइपर कंजुगेशन से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। समझ में बात, तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट स्टेबल हो गया रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और इंटरमीडिएट अगर अनस्टेबल हो गया तो प्रोडक्ट में नहीं बदलना चाहेगा लेकिन आप जबरदस्ती करोगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया। तो आंसर हिसाब से क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। अब हम लोग लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बोला। तो मैंने आपको बता तो दिया कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। यहां पर देखिए ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अभी बताया था sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, है ना, एक क्वेश्चन में था ना अभी कि sp2 होगा कि sp होगा, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वहां पर उस क्वेश्चन में उसको मेंशन करना था इसलिए उसने साफ साफ लिख दिया कि आप इसको sp मानिए, ठीक है। फिर भी कुछ लोग sp2 बोलते हैं, कुछ लोग उसको sp बोलते हैं, ज्यादातर लोग उसको sp2 ही बोलते हैं, ठीक है। खैर तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आए तो वो क्या होगा, अनस्टेबल सिचुएशन होगा। तो ये कार्बोकेटाइन तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, यानी कि एक की स्टेबिलिटी तो सबसे कम होने वाली है। अब देखिए ये क्या है, 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है। तो भैया यहां पर किसी में रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हर जगह स्टेबिलिटी किससे मिल रही है,
हाइपर कंजुगेशन से। तो हाइपर कंजुगेशन में 3 डिग्री के पास ज्यादा स्टेबिलिटी है। कैसे? अल्फाइज देखिए, अल्फाइज देखिए 2, 2, 4, 3, 7, इसमें अल्फाइज कितना है? 4 है। इसमें अल्फाइज कितना है? इसमें अल्फाइज 1 ही है। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 4 होगा, फिर कौन होगा? तो 2 होगा। तो इस तरह से 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 देखिए, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ए 3 जो है वो सबसे ज्यादा, 3, 4, 2, 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर होगी। समझ में आया? तो इस तरह से जो है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजॉय कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको